साईं ये बहुत भारी है, अकेले निकालना मुश्किल होगा। जो पहले से जड़े जमाए बैठा हो उसे हटाना मुश्किल तो होता है, लेकिन किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी ही होगी। ऐसा ही एक पत्थर अंधश्रद्धा का भी है, जो इंसान की प्रगति उसकी उन्नति में बाधा बन रहा है। उसे हटाने के लिए भी कोई आगे आए तो अच्छा होगा। बिना नींबू मिर्ची के भी घर उतना ही सुंदर लग रहा है ना बाबा? इनकी बातों से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं आप बाबा? हमारे शास्त्र कहते हैं कर्म अच्छे करो, कर्म से ही तय होता है कि आगे क्या होना है, और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो उम्मीद है हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। और अगर कभी बुरा होता भी है तो वो इसलिए नहीं कि बुरी नजर लग गई या अपशगुन हो गया, बुरा हुआ है वो भी किसी कर्म का फल है। बाबा मैं तो यही मानता हूं और भगवान से यही मांगता हूं कि हर परिस्थिति में मुझे धैर्यवान बने रहने का आशीर्वाद दें। शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आभास। आभास? जो पहले हुआ था अब वो यकीन में बदल रहा है। इस घर को बनाने में तुमने बहुत धन लगाया, लेकिन संसार का सारा धन भी नकारात्मक ऊर्जाओं से किसी स्थान की मुक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकता। और यहां की नकारात्मक ऊर्जा तो विचित्र ही है, पल प्रतिपल उसका विस्तार हो रहा है। फिर शुरू हो गया। गुरुजी, इसका कोई तो उपाय होगा ना? शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। ये त्र्यंबकेश्वर में नदी के किनारे मिला था, इसमें स्वयं महादेव का वास है। इन्हें घर के मंदिर में रखकर रोज पूजा पाठ करना। एक सप्ताह के बाद इन्हें मुझे लौटा देना,
मैं इन्हें वापस नदी में विसर्जित कर दूंगा। लेकिन हाँ, इन्हें विदा करने के लिए चांदी का छोटा सा आसन बनवाना होगा। पर महादेव के बारे में मैंने जितना भी पढ़ा है, चाहे वो पुराणों में हो या लोक कथाओं में, उन्हें सोने चांदी का कोई मोह नहीं है। फिर ये चांदी का आसन किसके लिए? अज्ञानी लोग नहीं जानते कि चांदी का आसन बुरी ऊर्जा को घर से बाहर ले जाएगा। मुझे तो यहां सिर्फ एक ही बुरी ऊर्जा दिख रही है, और उसे मैं बिना चांदी के आसन के ही बाहर निकालूंगा। क्या बोला? गुरुजी, यही कि बिना धमकी के आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता। धमकी से एक डर पैदा होता है, और जब डर पैदा होता है तो आपकी अहमियत बनी रहती है। लेकिन जब डर ही नहीं होगा तो आपको पूछेगा ही कौन? बेटा मोहन, अपने लिए ना सही, अपने बाबा के लिए, अपनी आई के लिए गुरुजी का मान रख सकता है? बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं नहीं मानता हूं इन्हें। आपके लिए, आई के लिए ही तो मैं चुप हूं, वरना मैं तो इन्हें कब का। सुन बेटा, हमने तुम्हारी एक बात मान ली ना, बिना नींबू मिर्ची के गृह प्रवेश कर लिया ना, तो अब एक बात हमारी भी मान ले। और जब तू गुरुजी से उल्टी सीधी बात करता है तो तू उनका अपमान नहीं करता, तू हमारा अपमान करता है। तू उनको चोट नहीं पहुंचाता, तू हमें चोट पहुंचाता है। तो फिर मुझे इनके आसपास ही नहीं रहना चाहिए, वही बेहतर होगा। मोहन, गुरुजी, मैंने उसे लाख समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन वो समझता ही नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए ना, आप तो महान हैं, अपनी महानता का परिचय उसे भी दीजिए, ताकि वो भी आपको मानने लगे। एक दिन आएगा, तुम्हारा बेटा मेरा बड़प्पन समझ जाएगा, बहुत शीघ्र ही। गुरुजी, अपशगुन पे अपशगुन होता जा रहा है। दरअसल नींबू मिर्च के अलावा क्या हुआ? वो आज घर लौटते वक्त मेरे सामने एक विधवा आ गई थी। शिव शंभो, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इतनी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हो गई, घोर अनर्थ। गुरुजी, इस अनर्थ को टालने का कोई तो उपाय होगा ना? मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए गुरुजी। जी, अच्छा नहीं नहीं, आप रुष्ट मत होइए। नहीं, आप जो चाहेंगे वही होगा जी। गंगाधर, अभी तुम्हारे घर के वास्तु पुरुष से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा है महादेव को चांदी का आसन तो चढ़ाना ही होगा जी, जी। लेकिन साथ साथ सोने की नींबू मिर्ची बनाकर पीछे वाले आंगन में गाड़ देना होगा, वरना तुम्हारे बेटे की नौकरी पर भी मुसीबत आ सकती है। नहीं नहीं गुरुजी, मैं कर दूंगा,
जल्द से जल्द कर दूंगा। बहुत आज्ञाकारी हो, काश तुम्हारा पुत्र भी इतना आज्ञाकारी होता। क्या हुआ साईं? ये दुनिया डरे हुए लोगों से भरी पड़ी है और उनका डर उनकी सोचने की शक्ति खत्म कर देता है और इसी का फायदा कुछ मौका परस्त लोग उठाते हैं। तो क्या हम ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते? जब तक लोगों के दिल में डर की जगह विश्वास नहीं ले लेता है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो फिर क्या सोचा है आपने? कात्या, अभी इसी वक्त केशव से कहकर एक मटका मंगा लो और कुछ रंग भी, और साथ साथ चंपा को भी बुला लो। कुछ जरूरी काम है। ठीक है साईं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। संसार का सारा धन भी नकारात्मक ऊर्जाओं से किसी स्थान की मुक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकता, पर यहां की नकारात्मक ऊर्जा तो विचित्र ही है, पल प्रतिपल उसका विस्तार हो रहा है। नींबू खट्टा और मिर्ची तीखी होती है। ये खट्टे होते हैं। इन्हें दरवाजे पर लगाने से हवा के साथ साथ इनकी सुगंध अंदर आती है, जिससे कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते। नजर लगने या ना लगने से इसका कोई संबंध नहीं है। पहली बार कोई ऐसा मिला जिसने मेरे अलावा उस दिगंबर को सही जवाब देने की हिम्मत की, जिसने डर को तर्क से परास्त कर दिया। लेकिन दिगंबर ने तो उस बेचारी की भी बेइज्जती कर दी। उस बेचारी ने तो इतने अच्छे से घर सजाया था और बदले में उसके साथ ऐसा व्यवहार। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चंपा, तुम बहुत अच्छी चित्रकार भी हो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही बना लोगी ना? जी साई, आप चिंता मत कीजिए। और तुम दोनों शिरडी के घर घर जाकर मेरा संदेशा पहुंचाओ। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग द्वारका माई में आए। जी साई, हम अभी जाकर सबको बता देंगे। लेकिन साई, इससे फायदा होगा? चंपा, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बाकी मालिक की मर्जी। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, मेरा चचेरा भाई है राजा राम, वो अपनी पत्नी गार्गी के साथ शिरडी आया है, धर्मशाला में ठहरा है। साहिब, उसको कुछ रोग है, पता नहीं क्या है, लेकिन सारा शरीर लाल चकत्तों से भरा पड़ा है और बहुत जलन और बहुत तकलीफ में है। कहता है कि भाऊ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर पर आग रख दी हो। साहिब, सब इलाज करके देख लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। साई, मैंने उसे कहा है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। साई, मुझे विश्वास है कि आपकी उदी से वो ठीक हो सकता है। चिंता मत करो मानिक, इसका लेप बनाकर उसके शरीर पे हर रोज दो बार लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। लो। धन्यवाद साई, चलता हूं। साई, आपकी मुस्कान कुछ कह रही है, क्या होने वाला है? आप यहाँ? मेरा चचेरा भाई यहाँ ठहरा है, बहुत तकलीफ में है, साई ने उसके लिए उदी दी है। तो वो आपके भाई है? बहुत दर्द में है, पर चिंता मत कीजिए, साई की उदी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो फूल देने के लिए यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक। आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो गार्गी, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं ये उदी लेकर आया हूं, इसका लेप बनाकर इसके शरीर पर लगा देना, जरूर आराम मिलेगा। उदी? हाँ, ये हमारे साई बाबा की दी हुई उदी है और इसमें साई का आशीर्वाद है, और साई के आशीर्वाद से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। साई बाबा, ये वही है ना जो सफेद कपनी में भिक्षा मांगता है? हाँ, लेकिन तुम? आपने सोचा भी कैसे, मैं अपने पति को उस फकीर की दी हुई उदी लगाऊंगी? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा आज उसे, मैले कपड़े, वो गंदा सा झोला और सड़कों पे भीख मांग रहा था वो, और भूखा इतना कि किसी भिखारी का दिया हुआ सड़ा सा केला भी उसने खुशी खुशी खा लिया। और आप चाहते हैं कि उसकी दी हुई उदी मैं इनको लगाऊं? गार्गी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम साई को नहीं जानती हो, साई की उदी में बहुत ताकत है। मुझे मत समझाइए, हम मजबूर हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आजमा लेंगे। इतना अंधविश्वास हम तो नहीं कर सकते किसी बाबा बाबा पे, और जब कोई वैद्य ही इनका इलाज नहीं कर पाया तो इसका मतलब साफ है कि ये कोई रोग नहीं, किसी का किया काला जादू है। और हमें कोई ऐसा तंत्र मंत्र का जानकार, कोई सिद्ध पुरुष चाहिए जो झाड़ फूक करके इनके ऊपर से काले जादू का काट निकाल सके। उदी को अंधविश्वास कहती हो और खुद काला जादू का काट ढूंढ रही हो। गार्गी, हम साई की शिरडी में रहते हैं, वो साई जिन्होंने हमें सिखाया
कि अगर कर्म अच्छे हो और भगवान पर श्रद्धा हो तो कुछ बुरा नहीं होता है। और फिर ये तो सिर्फ एक बीमारी है जो साई की दुआ और दवा से ठीक हो जाएगी, और ये उदी उसकी दवा है। साई साई साई, नहीं सुनना मुझे एक भिखारी क्या कहता है। आप रहने दीजिए, इनका इलाज किससे और कैसे करवाना है वो मैं देख लूंगी। काश इन्हें साई पर भरोसा होता, अब तक राजाराम की तकलीफ कम हो गई होती। दोस्तों, आज खेल के बड़ा मजा आया ना? हाँ। ये तो बहुत ही प्यारी है। साई, क्या हम इसे थोड़ा दूध पिला सकते हैं? क्यों नहीं, वहां कोने में रखा है। चंपा, जानती हो बच्चों को भगवान का रूप क्यों माना जाता है? क्यों साईं? क्योंकि ये शगुन अपशगुन अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। जहां ज्यादातर बड़े लोग इस काली बिल्ली को अपशगुन ही मानकर इसे भगा देते, वहीं बच्चों ने इसमें अपना दोस्त देखा और इसे दूध पिलाया। यही बेसख्तगी, यही सहजता बच्चों के पवित्र मन का प्रमाण है। रामजी से यही प्रार्थना है कि ये मासूमियत हमेशा के लिए बनी रहे और इनका मन इसी तरह प्रेम से भरा रहे, ना कि अंधविश्वास से। मिलेगी पूर्णा? पूर्णा, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई। कल मेरे घर में पूजा है, दो हार पहुंचा देना। हाँ काकी, मैं सुबह सुबह पहुंचा दूंगी। ठीक है ठीक है। और हाँ, आपके लिए दो गजरे मेरी तरफ से। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे क्यों, और फूल चाहिए क्या? नहीं, माफी चाहिए। माफी? वो घर में जो हुआ गुरुजी। आप क्यों माफी मांग रहे? आपने थोड़ी ना कुछ कहा, उल्टा आप तो मेरा समर्थन कर रहे थे। और रही बात माफी की, वो तो मुझे मांगनी चाहिए आपके आई बाबा से। मेरी वजह से उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ कहने का,
लेकिन मैंने जब देखा कि वो गुरुजी आपके आई बाबा को डराए जा रहे थे, वो भी अंधविश्वासों के माध्यम से, तो मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये जो दिगंबर है ना, आडंबर की दुकान है। खून खौल उठता है मेरा जब उसे देखता हूँ। पिछले 7 साल से आई बाबा को चूना लगा रहा है, और जब मैं कुछ कहता हूँ, तर्क वितर्क करता हूँ, तो आई बाबा मेरी एक बात नहीं मानते। और आई बाबा ही क्यों, ज्यादातर लोग इसमें मेरा समर्थन नहीं करते, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबा पर विश्वास करना बहुत आसान है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, ऐसे ढोंगी गुरुजी हमें भगवान के करीब नहीं, भगवान से दूर लेके चले जाते हैं। आपने तो बिल्कुल मेरी मन की बात कह दी। ईश्वर के मार्ग पर चलना मतलब अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब है। और पूजा पाठ तो अपनी मन की शांति के लिए होता है। अगर आपका विश्वास आपको हर पल डराता रहे कि कोई अधर्म तो नहीं हो गया, ईश्वर मुझे इस बात की सजा तो नहीं देंगे, तो फिर तो ऐसे विश्वास का कोई फायदा ही नहीं है। शुक्र है भगवान का, कोई तो मुझे ऐसा मिला जो ऐसा सोचता है, वो भी शिरडी जैसे छोटे से गांव में। ऐसी सोच वाले आपको यहाँ बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये सब हमें साई बाबा ने सिखाया है। साई, ये कौन है? मानिए तो सब कुछ, ना मानिए तो कुछ भी नहीं। कोई इन्हें गुरु कहते हैं, तो कोई भगवान। भगवान? इंसान को भगवान कहना, ये भी तो एक तरह का अंधविश्वास ही है ना। लोग साई में भगवान देखते हैं, क्योंकि साई ने लोगों के कठिन से कठिन परिस्थिति में मदद की है। वो कभी किसी को डराते नहीं है, वो तो डर भगाते हैं। सुबह से शाम तक उनका एक एक पल किसी ना किसी की सेवा में रहता है, भले वो इंसान हो, पशु हो या फिर पेड़ पौधे। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे सब साई पर भरोसा करते हैं। भरोसा क्योंकि हमने देखा है लोगों की मदद करते हुए, लोगों का भला करते हुए, पता नहीं उनमें इतनी करुणा कहां से आती है, इतनी ऊर्जा कहां से आती है। किसी भी समय जाना अनजाना कोई भी हो, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और बदले में कुछ भी नहीं लेते, कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें। एक पिता की तरह है, एक दोस्त की तरह। माफ करना, लेकिन दिगंबर जैसे गुरुओं से इतनी चोट खा चुका हूं ना मैं, कि अब किसी चमत्कारी बाबा पर विश्वास कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है। आप मेरी एक बात मानेंगे, एक बार साई से मिल लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके आई बाबा को उन गुरु जी के चंगुल से कोई मुक्त कर सकता है, तो वो है साई। और बदले में आपके साईं क्या लेंगे? आज तक उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं लिया है। वो तो एक खंडहर में रहते, एक कफनी पहनते, कोई मोह नहीं है। बल्कि भिक्षा में मिला खाना या सामग्री वो गरीबों के साथ या फिर पशु पक्षी के साथ बांट लेते हैं। तो फिर चलें तुम्हारे साईं के पास। हाँ चलिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.